चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके पिछला एपिसोड जरूर देख लीजिए। तुम्हारी ऐसी गलत रिश्ते बनाने की जिद सुनने से बेहतर होता कि मैं तुम्हें बचपन में ही गला घोट के मार देता। आप जो भी बोलो पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अब वो ही मेरे लिए सब कुछ है। बेटी, बेकार की जिद छोड़ दो। उस लड़के का एक रुपए कमाने की हैसियत नहीं है, वो बस तुम्हें हमारे पैसों के लिए प्यार करता है। बेटी, खबरदार माँ, आइंदा ऐसी बात बोली तो। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है माँ, उससे तुम्हारे पैसों से कोई लेना देना नहीं। बेटी, क्या हमारे घर की इज्जत के बारे में तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है? क्यों ऐसे गलत डिसीजन ले रही हो? हमारे खानदान की शान शौकत के सामने उसकी औकात ही क्या है? औकात नहीं है तो बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पापा। बहुत जल्द वो अपना बिजनेस शुरू करने वाला है, फिर आप लोग देखना वो कहां से कहां पहुंचता है। ये तुम्हारी बचपना है बेटी, अभी से संभल जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। किसी के कहने पर मैं अपने डिसीजन बिल्कुल नहीं बदलूंगी पापा। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। कावेरी, कावेरी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, अब भूल जाओ उसे। कावेरी, कुछ तो बोलो कावेरी, कावेरी। हाय डैड। आ गए साहबजादे, आज कितने पैसे उड़ा के आए हैं? कम ऑन डैड, आप क्या बेटा होकर मैं पैसे नहीं उड़ाऊंगा तो लोग आपके मजाक उड़ाने लगेंगे। You are the best dad in this world. इतना मस्का क्यों मार रहे हो? क्या बात है? एक दोस्त है जो MBA में गोल्ड मेडलिस्ट है, उससे हमारे कंपनी में जॉब दे दीजिए। ऐसे कैसे जॉब दे दें? वो भी एक फ्रेशर को? हमारी कंपनी फ्रेशर हायर नहीं करती, क्या तुम रूल भूल गए हो? डैड प्लीज। वो तो सपना देख रही है हमारे कंपनी में जॉब करने की, एक मौका तो दे के देखिए। She is really talented, Dad. अच्छा ठीक है, मैं तो कल सुबह बिजनेस मीटिंग के लिए सिंगापुर निकल जाऊंगा। तुम मिस्टर खुराना से बात कर लो, वो उसका इंटरव्यू लेंगे पहले। अगर वो सच में टैलेंटेड है तो हम उसे जरूर हायर करेंगे, ओके? ओह, थैंक यू सो मच डैड। रितु, रितु, उठ जाओ बेटी, मैं काम पे निकल रही हूँ, पराठा बना दिया है, खा लेना। ओके माँ, बाय। हेलो जानू, गुड मॉर्निंग। जान, मैंने डैड से बात कर लिया है, नाउ ही इज लिविंग फॉर सिंगापुर। हमारा मैनेजर मिस्टर खुराना तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हाँ, इतनी जल्दी? मैंने तो कुछ तैयारी भी नहीं की, ऐसे अचानक इंटरव्यू, वो भी तुम्हारी इतने बड़े कंपनी में, बहुत डर लग रहा है मुझे। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बस कुछ फॉर्मेलिटीज है, मैं मिस्टर खुराना को बोल दूंगा, डैड तुम्हें ऑलरेडी हायर कर चुके हैं और वो तुम्हें काम समझा देंगे, बस इतना सा ही है। हाँ, हायर कर लिए मुझे? कब? इतना बड़ा झूठ, अगर बाद में तुम्हारे डैड को पता चल गया तो? अरे मेरी जान, डैड और मिस्टर खुराना बहुत बिजी रहते हैं, ये सब छोटी छोटी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे, समझी पगली? अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रितिका फटाफट तैयार होकर विजय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में पहुंच गई और मिस्टर खुराना भी रण विजय के कहने पर रितिका को हायर कर लिए। फिर क्या, अगले दिन से ही रितिका काम पे जाने लगी।
रितिका तो थी ही टैलेंटेड और यहाँ पे ट्रेनिंग में झट से सब कुछ सीख लेती थी। रितिका का टैलेंट देखने के बाद मिस्टर खुराना उसे एक बहुत अच्छी पोजीशन में मैनेजर का रोल दे दिए। वाह रितिका वाह, तुम तो कमाल कर दी, एक महीने में इतनी तरक्की, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओह जानू, ये सब कुछ बस तुम्हारे वजह से, तुम मदद नहीं करते तो शायद आज दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू देते देते मेरे पैरों के सैंडल घिस घिस के चप्पल हो गए होते। दैट्स ट्रू। अच्छा सुनो, मैं क्या सोच रहा था, पापा सिंगापुर से अगले महीने आने वाले हैं, फिर मैं हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बोलने वाला हूँ और मुझे यकीन है वो मेरे पसंद को कभी मना नहीं करेंगे, शादी भी बड़ी धूमधाम से झट से करवा देंगे। हाँ शादी, शादी क्यों? शादी क्यों मतलब? नहीं आई मीन इतनी जल्दी क्यों, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने घर पे बात करूंगी और सबको मना लूंगी फिर। तुम कभी अपने घर पे बात नहीं कर पाओगी, इतने सालों से मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत शाई नेचर के हो तुम, बट डोंट वरी, मेरे डैड शादी का रिश्ता लेकर सीधा तुम्हारे घर जाएंगे और मेरे पापा को देखने के बाद शादी के लिए तुम्हारे घर वाले इनकार कर ही नहीं सकते, है ना? रणविजय रितिका से शादी करके घर बसाने की प्लानिंग में लगा हुआ है, पर ऐसा क्यों लगता है जैसे रितिका को अभी शादी नहीं करनी? रणविजय के डैड सिंगापुर से वापस आ जाए इससे पहले ही मुझे मेरा काम पूरा करना होगा। यस आई डू इट। ये लो अनुराधा, तुम्हारा तनख्वाह पूरे 5,000 है। आप मेरा तनख्वाह बढ़ाने के जगह उसे घटाकर सिर्फ 5,000 दे रहे हैं। चुप कर, पिछले महीने जो 3 दिन का छुट्टी मारी थी उसका क्या, और तेरी बेटी आजकल बड़े सज धज के निकल रही है, सुनने में आया है बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करती है, फिर तुझे पैसों की क्या कमी होगी? कमी तो तुझे होगी आज से, मेरी माँ तेरा ये घटिया रेस्टोरेंट में नौकरी छोड़ने के बाद, हम भी देखेंगे तू कैसे इतना प्रॉफिट बनाएगा। ए रितिका, ए लालची बुढ़ा। अनुराधा की लाचारी का फायदा उठा के पैसे कमाने वाले लालची बुढ़े को रितिका अच्छे से सुनाई और माँ को लेकर घर वापस आ गई। बेटा कमाल हो गया, तुम सच बोल रहे थे, वो लड़की बहुत ही टैलेंटेड है, काफी प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस साइकिल में, बट क्रेडिट गोज टू यू, हाँ ऐसी टैलेंट ढूंढ के जो लाए हो, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज डैड। वैसे आप इंडिया कब आ रहे हैं, आई मिस यू डैड। लगता है मेरा बेटा कुछ मांगने वाला है मेरे से डैड। ओके मैं 1 महीने में ही वापस आ जाऊंगा, तब तक हमारे नए प्रोजेक्ट का मीटिंग भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अच्छा सुनो, मैं नए प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स मिस्टर खुराना को ईमेल कर दूंगा, तुम बस फॉलो अप करते रहना, तुम देखना ये प्रोजेक्ट हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है। श्योर डैड। वैसे आपके लिए और भी एक गुड न्यूज है, बस आप जल्दी से वापस आ जाइए। रणविजय उसके डैड के वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है ताकि रितिका से शादी की बात कर सके, पर उसके डैड नए प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हो गए हैं, शायद इस प्रोजेक्ट से काफी उम्मीद है उनको। बेटी आज तूने मेरा मान रख लिया, कितने अच्छे से वो लालची किशोर को मुंह तोड़ जवाब दिया, लगता है अब तुम बड़ी हो गई हो बेटी, मुझे तुम पे फक्र है। ये तो कुछ भी नहीं है माँ, आगे और भी बहुत काम बाकी है, आप बस देखते जाइए मैं क्या करने वाली हूँ। आई एम श्योर अब आपका काम आसान हो जाएगा, और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच, सी यू। सी यू। हाँ रितिका, खेल शुरू हो गया है, बहुत जल्द हम अंजाम तक पहुंच जाएंगे, अब आप वो पुराने फोटोग्राफ्स और हॉस्पिटल डिटेल्स भेज दीजिए।
कौन है ये औरत और रितिका इसके साथ मिलके क्या साजिश रच रही है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।